कुशीनगर में राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पिछली सरकारों में होते थे दंगे, योगी सरकार में कानून का राज कायम। नवाब मलिक की गिरफ्तारी से अटैकिंग मोड में विपक्ष, ममता बनर्जी ने की शरद पवार से बात, कहा मंत्री पद से इस्तीफा ना दें नवाब मलिक, इस मुद्दे पर उनके साथ। फतेहपुर में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वोट डालने का वीडियो किया था वायरल, आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप। आगरा में दो महिलाओं के बीच झड़प, जमकर चले लात खोसे, पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फतेहपुर में, पोलिंग बूथ से वोट डालने के बाद वीडियो वायरल करने को लेकर चार लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीठासीन अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है, मामला हुसैनगंज का है, जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी मुहैया कराई है। वहीं कुशीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछली सरकारों पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में दंगे होते थे, योगी की सरकार बनने के बाद दंगाइयों की गिग्गी बंद गई, धारा 370 हटाई गई, नागरिकता कानून पारित कराया गया, मंदिर बनता देख विपक्षी दल परेशान है। राजनाथ सिंह रामकोला विधानसभा की सुरक्षित सीट पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, जिसे प्रदेश में योगी जी ने कायम किया है। उन्होंने बताया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर बनना गौरव की बात है। देवरिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और देश की जनता का हक है, उन्हें ईमानदारी से मिल रहा है। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हर राज्य और देश का अर्थव्यवस्था 2017 में यूपी 11 लाख करोड़ और 2022 में आकर 31 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान का कोई हेडक्वार्टर नहीं जहां मेडिकल कॉलेज ना मिले, घर घर में नल पहुंचाया जा रहा है, हिंदुस्तान का कोई घर नहीं बचेगा जहां पानी ना पहुंचे। आयुष्मान कार्ड की चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में इस प्रकार की कोई योजना नहीं मिलेगी, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। राशन की बात करते हुए अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। हमारी सोच ईमानदार है, काम दमदार है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, और यही दो चीजें हैं, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, इसीलिए छा गई योगी सरकार है। आपको मैं याद दिलाऊं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी ना तो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री गई है, फ्री बिजली मिल रही थी, मिल रही क्या आपको? नहीं मिली। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और अपने को कहते हैं समाजवादी। बहनों भाइयों, समाजवादी वो होता है जो जनता को भय और भूख दोनों से छुटकारा दिलाए। भय और भूख से छुटकारा दिलाने वाली से हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मुफ्त राशन भी देते हैं, जेब में पैसा भी देते हैं, और गुंडे और बदमाशों पर के घरों पर, माफियाओं के घरों पर बुलडोजर भी चला। तो सच्चे समाजवादी तो हम लोग हैं, हम लोग राष्ट्रवादी भी हैं, समाजवादी भी हैं, सच्चे समाजवादी तो हम लोग। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का नहीं दिया, लेकिन मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी तो सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी, मुफ्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। अमेठी के तिलोई में सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करना है। समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे को लेकर चलती है, सपा कांग्रेस बसपा ने राजनीति की, इन लोगों की राजनीति का आधार जाति मत और धर्म हुआ करता है, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसान बेसहारा गोवंश को अपने घर में पालेगा,
उस किसान को 900 से लेके 1000 रुपए हर महीने भी हम एक गाय का देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी 2012 में उसने निर्णय क्या लिया था? भाइयों बहनों, उसने पहला निर्णय लिया था हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। पहला निर्णय ही समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के लिए समर्पित था, चाहे वह आतंकवादी अयोध्या पे हमला करने वाले रहे हो, संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले रहे हो। संकट मोचन मंदिर पर जब हमला हुआ था 28 निर्दोष लोग मारे गए थे, लखनऊ वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, 15 से ज्यादा वकील मारे गए थे, गोरखपुर में कानपुर में बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था, और इन सभी आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस समय की न्यायालय को जिसने समाजवादी पार्टी के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया। भाइयों बहनों, अन्यथा प्रदेश में आतंक का कितना नंग तांडव होता, कितने लोग मारे गए होते। और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा है। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने जैसा है, और समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला वोट आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने जैसा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अब तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वहीं कुशीनगर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार से सिर्फ उन लोगों को दिक्कत है जिन्हें अयोध्या में राम मंदिर से दिक्कत है, तीन तलाक से दिक्कत है, प्रदेश के माफियाओं के जेल जाने और बाबा का बुलडोजर चलने से दिक्कत है। जनता की भलाई चाहने वाले बीजेपी के साथ हैं और भलाई खाने वाले खिलाफ हैं। मनोज तिवारी हाटा के सुखरावाली में बीजेपी के पक्ष में मनोज तिवारी जनसभा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। बीजेपी सरकार सड़क, शौचालय, पेंशन देने में कभी भेदभाव नहीं करती। डबल इंजन की सरकार का एजेंडा ही विकास और संस्कृति को एक साथ लेकर चलने का है। किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सहित कई नई योजनाएं बनी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। एक साल योगी जी, पांच साल में जितना तैयारी कहले बारे मोदी जी, योगी जी, अब ये लोग कहले बा, आपको याद रहना चाहिए कि किसान खेती के लिए जितना बिजली उपयोग करेगा, अब किसानों से बिजली का एक नया भी पैसा नहीं लिया जाएगा। किसमें? हर पंचायत में अगले पांच साल में एक जिम भी खोलेंगे और एक खेल का मैदान भी निश्चित खोलेंगे। यह हमारा संकल्प है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने निश्चय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर घर में, किस घर में? हर घर में एक रोजगार या स्वरोजगार देना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये भी आप याद रख लीजिए। बहराइच में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, वो दूसरे तीसरे चरण में ठंडे हो गए हैं। अपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, पता करोगे तो पता चलेगा इससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने साथ ही कहा है कि जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बहराइच के लोग पहले से जानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं।
अमेठी के जगदीशपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को घेरा है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और नुक्कड़ सभा कर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की अपील की है। रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी, महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब रोजगार की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक युवाओं के लिए पूरा भर्ती विभाग निकाला है। हम कह रहे हैं 20 लाख रोजगार हम देंगे, लेकिन हमने उसमें लिखा है कि ये 20 लाख रोजगार आएंगे कहां से। 12 लाख खाली पद जो इन्होंने खाली छोड़े हैं वो हम भरवाएंगे, उसके साथ साथ 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। आप जैसे जो नौजवान हैं, अगर आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास तौर से अगर आप अति पिछड़े या दलित वर्ग के हैं, आपको 5 लाख रुपए सरकार देगी 1% ब्याज पे, ये सारी सुविधाएं देंगे। वहां पे अगर नौजवान उस हुनर का इस्तेमाल करके एक अपना कारोबार शुरू करना चाहे, हम उसको पूरी सुविधाएं देंगे। हम नए रोजगार पैदा करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, कुशीनगर के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में बने वेब कास्टिंग कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मतदान स्थलों की सूची की जानकारी भी ली है। कुशीनगर की 7 विधानसभाओं पर 6ठे चरण में 3 मार्च को मतदान होंगे। तो वहीं आगरा में मामूली कहासुनी को लेकर 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों महिलाओं में जमकर लातखों से चले। महिला की चोटी पकड़कर घसीटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना एत्मादौला का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में डीजे पर डांस करने को लेकर युवक के साथ मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला भोपा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर का है। मामले पर एसपी देहात ने संज्ञान लेते हुए जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। थाना भोपा के ग्राम सिकंदरपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डीजे पे डांस कर रहे लड़कों के साथ कुछ अन्य लोगों द्वारा मारपीट का प्रकरण है। उस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेकर के उसमें पूर्व में ही 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के उपरांत और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी। यूपी में माफियाओं की अवैध कमाई पर चोट का सिलसिला जारी है। विधायक मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने के साथ ही अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी जारी है। इसी कड़ी में गाजीपुर में एसडीएम सदर और सीओ सदर के साथ भारी फोर्स के साथ आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी के होटल की जमीन कुर्क कर ली गई। सदर कोतवाली के महुआ बाग में स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के गजल होटल के पिछले हिस्से की भूमि को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आज आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी का महुआ बाग स्थित जो ये प्लॉट है, जो ये भूमि है, इसको आज कुर्क किया गया है। सर, इसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? ये जो महुआ बाग स्थित प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल लगभग 381 वर्ग मीटर है और इसकी बाजारू मूल्य लगभग 2,15,00,000 रुपये है। ये सर, इसकी प्रॉपर्टी किसके नाम से है? ये प्रॉपर्टी कहते हैं मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे के नाम पर है, और जब वो माइनर थे तो उसके लिए उनकी जो संरक्षण गार्जियन है, जरा कहते हैं, अफसर अंसारी के नाम पर ये प्रॉपर्टी है।
वहीं बरेली में उद्योगपति संजीव गर्ग की हत्या का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि संजीव गर्ग के साड़ू के दो बेटों ने सुपारी किलर से उसकी हत्या करवाई थी। इसी दौरान 38 किलो सोना और 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लूट की गई थी। 8 लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस की 2 दर्जन से अधिक टीमें खुलासे में लगी हुई थी। साड़ू के दोनों बेटे और सुपारी किलर समेत 4 लोगों को जहां गिरफ्तार किया गया है, वहीं अभी भी इस मामले में 4 लोग फरार हैं। 21 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटना का खुलासा किया है। 21 जनवरी को सुबह थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत एक व्यक्ति संजीव गर्ग का जो शव है उनकी गाड़ी में बरामद हुआ था और उनकी देखने से प्रतीत हो रहा था कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया था और उनके बेटे की तहरीर के आधार पर धारा 302 अज्ञात के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी छानबीन की गई, मेहनत की गई और जितने भी CCTV या सर्विलांस या अन्य जो माध्यम उनके माध्यम से इसमें कार्य किया गया और अभी तक इसमें पुलिस के द्वारा प्रकाश में आया है कि 8 लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें जो इसके सूत्रधार हैं वो इन्हीं के जो साडू के लड़के सोनू मोनू थे और उनके द्वारा ये पैसे देकर इनकी हत्या कराई गई थी और उसमें हत्या के दौरान ही इसमें रेड के नाम पर घर से पैसे भी मंगवाए गए थे और वो उसमें से हमने लगभग 8 किलो जो 8 ब्रिक्स जो हैं सोने की वो बरामद की हैं और जो कैश पैसा गया था उसमें से जो पैसे से एक व्यक्ति ने टाटा हैरियर गाड़ी भी खरीद ली थी वो भी बरामद की है। इसके अलावा घटना में जो प्रयुक्त I-20 गाड़ी है वो भी बरामद की है और इसमें जो घटना में जो रेकी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। इसमें जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया गया, जिसमें कि जो रॉड है और एक चाकू है वो बरामद किया गया, जिसके माध्यम से मृतक की हत्या की गई है। साथ ही साथ इसमें 13 लाख रुपये जो कैश है वो भी अभी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में हॉरर किलिंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इसको हॉरर किलिंग बताया है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को कुएं में युवती का शव मिला था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए युवती के चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शक के आधार पर युवती के प्रेमी से पूछताछ की गई। जांच में जब कॉल डिटेल्स और अन्य जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मृतका के परिवार वालों को उसका प्रेमी से मिलना पसंद नहीं था, जिसको लेकर आए दिन युवती की परिजनों के साथ बहस भी होती थी, जिसको लेकर झूठी शान की खातिर उसके परिजनों ने ही युवती की हत्या कर दी। हत्यारे 3 परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि युवती और उसका प्रेमी दोनों अलग अलग धर्म विशेष थे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।